वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू आज की वीडियो में हम एन एस ऑफ ड्रामेटिक पोइजी बाय जॉन ड्राइडन को डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्होंने इस एसे के अंदर इंग्लिश और फ्रेंच ड्रामा का कंपैरिजन किया है और किस तरह से इन्होंने ड्रामेटिक पोइट्री की नेचर को डिस्कस किया है सो so, लेट्स स्टार्ट जॉन ड्राइडन एन एस ऑफ ड्रामेटिक पोइजे

तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया है दैट प्रेजेंटेड एज अ डायलॉग अमंग फोर कैरेक्टर्स यानी ये ऐसे जो है वो एक डायलॉग की तरह प्रेजेंट किया गया है चार लोगों के दरम्या में चार कैरेक्टर्स हैं और वो चारों के चारों कैरेक्टर्स जो हैं वो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं द ऐसे डेल्वस इन द नेचर ऑफ़ ड्रामेटिक पोइट्री यानी किस तरह से ड्रामेटिक पोइट्री होती है उसकी नेचर क्या होती है उसको इन्होंने डेप्थ तक उसको डिस्कस किया है बट इट ऑल्सो कंडक्ट्स अ नॉन्स कंपेरिजन बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच ड्रामा बाई शो के सिंह ड्राइडन्स इन साइट एंड डिफेंडिंग द कल्चरल वैल्यू ऑफ इंग्लिश ड्रामा बेसिकली क्या कह रहे हैं कि इन्होंने इसके अंदर नेचर तो बताई है ड्रामेटिक पोइट्री की बट साथ, साथ में इंग्लिश और फ्रेंच ड्रामा को कंपेरिजन किया है थ्रू दीज फोर कैरेक्टर्स जो पर हमने मैंशन भी किए थे अभी और वो उस डायलॉग के अंदर इंग्लिश ड्रामा की जो कल्चरल वैल्यू है वो इसको बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हुए हमें दिखाई दिए हैं और चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ सो so, इस ऐसे में सबसे पहले उन्होंने बात की स्ट्रक्चर एंड यूनिटी के ऊपर यानी कि फ़्रेंच ड्रामा जो है वो फॉलो करता है स्ट्रिक्ट क्लासिकल यूनिटीज़ को जबकि इंग्लिश का जो ड्रामा है दैट इज़ मोर फ्लेक्सिबल और इंटरप्रेट करता है दीज यूनिटीज़ ब्रॉडली यानी कि जितनी भी हमारे पास क्लासिकल यूनिटीज़ गिवन है इंटरप्रेट करके यानी कि ऐसे नहीं कि वो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं तो उनसे हम बाहर जाके कुछ लिख ही नहीं सकते सिमिलरली राइम वर्सेज़ ब्लैंक वर्स के ऊपर क्या बात हुई थी कि फ़्रेंच ड्रामा फेवर्स राइम्ड वर्सेज़ यानी कि आपको राइमिंग स्कीम फॉलो करनी है टाइप और ड्राइडन आर्ग्यूज फॉर द अफेक्टिवनेस ऑफ ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश ड्रामा यानी ड्राइडन को लगता था कि जो यूजेज ब्लैंक वर्स का इंग्लिश ड्रामा में हो रहा है और जिस तरह से वो उसको ज़्यादा डोमिनेंट बना रहा है इट बेसिकली साइड्स द नेचुरल फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज यानी इससे हमें यह पता चलता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इट वो कितनी ज़्यादा फ्लेक्सीबल है कि एक राइमिंग स्कीम फॉलो ना करते हुए जस्ट विद ब्लैंक वर्स यूज ऑफ ब्लैंक वर्स फिर भी इफेक्टिव बात कर सकते हैं या हम अपना लिटरेरी वर्क को बहुत ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, बना सकते सकते हैं हैं। डोमिनेंट थर्ड पॉइंट है कैरेक्टराइजेशन एंड रियलिज्म का सो बेसिकली फ्रेंच ड्रामा जो है वो आइडियलाइज करता है कैरेक्टर्स को जबकि इंग्लिश ड्रामा एक्सेल करता है इनपोटरिंग लाइफ लाइक कैरेक्टर्स एंड अ ब्रॉडर ह्यूमन एक्सपीरियंस यानी कि ऐसे कैरेक्टर जिनके अंदर लाइफ लाइक करेक्टर्स ज़्यादा होते हैं जबकि आइडियलाइज्ड कैरेक्टर्स नहीं होते क्योंकि मतलब आइडियलाइज कैरेक्टर मीन्स दैट ऐसे फ़िक्शनल कैरेक्टर्स जो कि बस शायद हमें फ़िक्शन में ही मिलेंगे रियलिटी में उन हम उनसे रिलेट नहीं कर सकते बट इंग्लिश ड्रामा जो कि है वो वैसे ही फ्लेक्सीबल है सो तो उसमें ऐसे कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं जो कि ब्रॉडर ह्यूमन एक्सपीरियंस बता रहे हैं यानी डेली लाइफ से जो इंसान का एक बंदे का जो अपना एक्सपीरियंस होता है हम उसमें मतलब लाइफ लाइक कैरेक्टर्स मिलते हैं यानी रियल जिंदगी से मिलते जो जुलते कैरेक्टर्स इंग्लिश ड्रामा में यूज़ होते हैं देन फोर्थ पे उन्होंने डिस्कस किया डाइवर्सिटी ऑफ थीम्स यानी कि अप्रिशिएट्स फ्रेंच डेकोरम बट इंग्लिश ड्रामा बिकॉज वो फैन थे इंग्लिश ड्रामा के सो so, वो कहते हैं कि ठीक है जी फ्रेंच डेकोरम भी बहुत अच्छा है बट जो इंग्लिश ड्रामा है इट इज फॉर इट्स रिच एक्सप्लोरेशन ऑफ डाइवर्स थीम्स एंड इमोशंस यानी वो क्यों रिचर है फ्रेंच ड्रामा से बिकॉज इसके अंदर डाइवर्स किस्म की थीम्स और इमोशंस को जो है वो एक्सप्लोर किया जाता है यानी कि सिर्फ एक परस्पेक्टिव से ड्रामा नहीं होता बहुत सारे परस्पेक्टिव होते हैं बहुत ही मल्टीपल और काइंड ऑफ डाइवर्स का मतलब होता है कि चेंजिंग थीम्स ये नहीं कि स्टार्ट हीरोइज्म से हुआ तो ऐट दी एंड भी हीरोइज्म ही हो रहा है बहुत ज़्यादा क्या कह लें इसको ट्विस्टेड किस्म की कॉम्प्लेक्स किस्म की थीम्स बना के बड़ा डाइवर्स किस्म का इसको बनाया जाता है अब हम ओवरऑल आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने डिफेंस किया था प्रॉपर कैरेक्टर्स के यूज के साथ तो लेट स्टार्ट सो so ये हमारा डिफेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामा स्टार्ट हो गया तो बेसिकली हुआ ये कि ड्राइडन जो हैं थ्रू अ फोर कैरेक्टर डायलॉग उन्होंने यानी एक फिक्शनल डायलॉग बनाया जिसके अंदर डिफेंड किया उन्होंने इंग्लिश ड्रामा अगेंस्ट परसीव्ड फ्रेंच कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि जो हम फ्रेंच से ले रहे हैं कि फ्रेंच में ऐसे होता है तो हम भी उसको कॉपी पेस्ट करना शुरू हो जाए टाइप तो उन्होंने अगेंस्ट उसको डिफेंड किया क्योंकि जो चीज़ें जो लोगों को लगता था जो एलिमेंट्स हमने फ्रेंच से ले लिए हैं हम उन्हें ही फॉलो करें बट इन्होंने कहा कि नहीं डिफेंड किया क्योंकि इंग्लिश ड्रामा जो है दैट वाज टोटली अगेंस्ट ना द एस बिकम्स अ मैनिफेस्टो फॉर अ क्रिटिकल स्कूल वैल्यूइंग आर्टिस्टिक फ्रीडम इन इंग्लिश ड्रामा यानी कि ये जो पूरी की पूरी ये जो ऐसे है पूरा एक मतलब क्रिटिकल स्कूल ऑफ थाट हमें पता चलती है इसमें से और किस तरह से आर्टिस्ट जो है यानी जो राइटर है वो किस तरह से आज़ाद है इंडिपेंडेंट है जब भी वो इंग्लिश ड्रामा कर अल, राइट डाउन कर रहा है सो तो इसमें हम ये वैल्यू करते हुए हमें दिखाई दिए हैं सो द डायलॉग अनफोल्ड्स थ्रू अ फिक्शनल कन्वर्सेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये करेक्टर्स भी फिक्शनल हैं और ये जो इनकी डायलॉग्स इनके आपस में कन्वर्सेशन है वो भी फिक्शनल हैं इन्वॉल्विंग फोर करेक्टर्स ईच करेक्टर रिप्रजेंट्स अ डिस्टिंग पर्सपेक्टिव ऑन द मैटर बीइंग डिस्कस्ड यानी कि उनमें से दो ऐसे होंगे जो फ़्रेंच को सपोर्ट करें होंगे दो ऐसे होंगे कि वो जो हैं वो इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट करे होंगे बट वो एक बड़ी लाइट मोड कन्वर्सेशन सी है यानी ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई कर रहे हैं इट्स जस्ट अ डायलॉग और किस तरह से जब दो लोग या चार लोग बैठ के किसी भी चीज़ पर डिबेट करते हैं आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं बट स्टिल वो लड़ाई नहीं करते सो लेट स्टार्ट कि हमारा करेक्टर नंबर वन कौन से है ओके सो फर्स्ट कैरेक्टर जो है हमारे पास नींदर का कैरेक्टर है नींदर इज अ इज़ ड्राइडन ओन वॉइस यानी ड्राइडन ने अपनी अ, मतलब एक काइंड kind ऑफ of कहते हैं ना कि हमने अपना भी एक कैरेक्टर रखा है यानी कि इस कैरेक्टर के थ्रू नींदर के थ्रू इन्होंने जो है वो अपने जो व्यूज़ थे वो रखे यानी इट वॉज इज़ ओन वॉइस इन द एस ही डिफेंड इंग्लिश ड्रामा ओब्वियसली हम पहले से ही बात करें कि इन्होंने इंग्लिश ड्रामा को ही सपोर्ट किया है एंड प्रोवाइड्स अ नॉन्स परपेक्टिव ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ड्रामेटिक पॉइजी यानी कि ड्रामेटिक पोइी कि यह पोएट्री किस तरह की हो सकती है उस पे इन्होंने अपना जो पर्सपेक्टिव है वो इसके थ्रू बताया है एंड देन निंदर ऑफन अलाइंस विद ड्राइडन व्यूज यानी कि उन्होंने उनके थ्रू ऐसी बातें की हैं जो कि इनके अपने व्यूज के साथ अलाइन होती हैं सर्विंग एज अ प्राइमरी स्पोकन पर्सन स्पोक्स पर्सन फॉर द इंग्लिश ट्रेडिशन यानी कि इस तरह हुआ कि ये बंदा जो है प्राइमरीली किस लिए बात कर रहे हैं इंग्लिश ट्रेडिशन को यानी इंग्लिश को सपोर्ट करते हुए इंग्लिश ड्रामा के डिफेंड में ही डिफेंस में ही बात कर रहे हैं सेकेंड कैरेक्टर है हमारा सेकेंड कैरेक्टर है क्राइट्स का कैरेक्टर सो क्राइट रिप्रेजेंट द क्लासिकल परसपेक्टि एंड फ्रीक्वेंटली वॉइस ओपिनियंस अलाइंड विद फ्रेंच ड्रामेटिक प्रिंसिपल यानी इसके थ्रू हमें ये पता चला कि ये इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट कर रहे थे तो बेसिकली इन्होंने ऐसा क्लासिकल परस्पेक्टिव को उन्होंने डिस्कस किया जो कि फ्रेंच के जितने भी ड्रामेटिक प्रिंसिपल हैं उनके साथ अलाइन होते हैं यानी कि उनकी बिल्कुल उनको सपोर्ट करते हैं एज अ करेक्टर यानी क्योंकि ये एक करेक्टर ही है क्राइट्स इंगेज इन क्रिटिकल एग्ज़ामिनेशन ऑफ इंग्लिश ड्रामा वाइल डिफेंडिंग द मेरिट्स ऑफ द फ्रेंच क्लासिकल रूल्स यानी जब वो फ्रेंच क्लासिकल रूल्स को बता रहे थे या उसके मेरिट्स डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने जो है वो एग्ज़ामिन uh, किया था इंग्लिश ड्रामा को भी बड़ा क्रिटिकली यानी yani, ये नहीं कि सीधा सीधा बस उन्होंने फ्रेंच के रूल्स बता दिए और इंग्लिश ड्रामा को कुछ नहीं कहा उन्होंने एक काइंड ऑफ क्रिटिकल कंपेरिजन बिल्डअप किया था क्रिटिकल मीन्स दैट कि हाँ जी आप लड़ाई झगड़े से बच के बस तरीके से अच्छे से आर्गूमेंट रख के बात प्रूव कर रहे हैं थर्ड कैरेक्टर हमारे पास है जीनियस का कैरेक्टर एंड इनका कैरेक्टर जो है इट इज़ एन अनदर कैरेक्टर इन द डायलॉग एंड ही डिफेंड्स इंग्लिश ड्रामा अलॉन्ग साइड नींदर यानी कि वो नींदर के साथ वो भी जो थे वो भी इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट कर रहे थे जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर था और ये जो कि ड्राइडन uh, की अपनी वॉइस है एक किस्म की और ये जो यूजीनियस का कैरेक्टर है ये भी इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट कर रहा है ही जनरली कंट्रीब्यूट टू द डिस्कशन बाई हाईलाइटिंग द अचीवमेंट्स एंड फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ द इंग्लिश ड्रामेटिक ट्रेडिशन यानी कि ऐसा नहीं था कि इन्होंने ये बात की कि फ्रेंच ड्रामा अच्छा नहीं है इन्होंने अपने ने ही ड्रामा को इतना एम्फोसाइज करके बताया कि किस कदर अचीवमेंट्स जो हैं वो इंग्लिश ड्रामेटिक ट्रेडिशन को मिली है या जिस कदर फ्लेक्सिबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है सो ये इट्स रिमार्केबल है और इन ये इंग्लिश ड्रामा के ही सपोर्टर थे अब हमारा लास्ट कैरेक्टर है सो फोर्थ कैरेक्टर हमारे पास लाई सी का कैरेक्टर है बेसिकली ही वॉज अ कैरेक्टर वो सपोर्ट्स फ्रेंच ड्रामा इन द डायलॉग यानी अब हमें ये बात समझ में आ गई कि दो लोग फ्रेंच को सपोर्ट करे थे तो दो लोग इंग्लिश को सपोर्ट करे थे French, uh, ही प्रेजेंट्स आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ द फ्रेंच क्लासिकल रूल्स ऑब्वियसली वो यही करेंगे कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कंट्रास्टिंग व्यूज़ रिप्रेजेंटेड इन द कन्वर्सेशन यानी कि जो व्यूज़ इंग्लिश वाले रख रहे थे उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने कंट्रास्ट में यानी कि उसके कंपेरिजन में अलाइन करते हुए अपनी जो कन्वर्सेशन थी या अपना डायलॉग था वो जारी रखा था तो तो ये हमारे पास चारों के चारों मेन कैरेक्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए सो so, ओवरऑल अब हम इस पूरी जो हम लोगों ने, ने डिस्कशन की है एन एस ए ऑफ ट्रामेटिक पोइज पोइजे पर जो कि जॉन राइडन का था हम लोगों ने इसमें सबसे पहले डिस्कस किया कि उन्होंने फ्रेंच और इंग्लिश ड्रामा के कौन कौन से एलिमेंट्स थे जिस पे कंपैरिजन किया था देन फिर आगे जाके जो फोर फिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ उनका डायलॉग था हमने उसको अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से वो डायलॉग जो है वो एक कंट्रास्ट प्रजेंट कर रहा है कंपेरिजन प्रेजेंट कर रहा है फ्रेंच और इंग्लिश ड्रामा के अंदर और अब ये हमारे पास कंक्लूजन है कि ड्राइडन कंपेरिटिव

के वाला पॉइंट था डाइवर्स थीम्स uh, के अकॉर्डिंग हमने समझा इसको एंड यानी कि ऐसे लाइफ लाइक करेक्टर्स हैं कि जिनसे हम रिलेट भी कर सकते हैं एंड थ्रू दीज फोर करेक्टर्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सो उसमें क्या था ड्राइडन स्ट्रेट मल्टी फेस्टेड एक्सप्लोरेशन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ बॉथ इंग्लिश एंड फ्रेंच डोमेटिक ट्रेडिशन अच्छा तो ऐसा ये वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो है वो ऐसा मल्टी फेस्टेड यानी सिर्फ एक परस्पेक्टिव से एक आइडिया के साथ नहीं

किसी पे हार्श बातें हो रही हैं या मतलब जैसे वो होता है ना कि हम डिफेंड करने लगते हैं तो बहुत अच्छे लेवल पे जाके फिर डिफेंड करने लग जाते हैं ये ऐसा नहीं है ये बहुत ही एक लाइटर मोड एक बहुत ही लाइटर मोड कन्वर्सेशन के साथ इन्होंने इसको डिस्कस किया है सो ये आज की हमारी वीडियो थी आई होप आपको अच्छी लगी होगी शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा कॉमेंट भी करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो